नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम बंगाल के दूसरे चरण की 69 सीटों के लिए शुरू हुई वोटिंग। 11 बजे तक असम में 14 और बंगाल में 18% हुआ मतदान। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने डाला वोट। बोले, बंगाल में इस बार दिख रही है परिवर्तन की लहर। देवरा सीट से भाजपा प्रत्याशी भारती घोष ने लगाया बड़ा आरोप। बोली, टीएमसी के 150 गुंडों ने एजेंट को नहीं जाने दिया इस मतदान स्थल। टीएमसी ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से की दर्जनों शिकायतें। का असली के बदले भेजी गई नकली ईवीएम मशीनें। टीएमसी के आरोपों पर दिलीप घोष और भाजपा नेताओं का पलटवार। का हार सामने देख ममता और उनके पार्टी नेता लगा रहे हैं फर्जी आरोप। पीएम मोदी ने लोगों से की भारी संख्या में वोट करने की अपील। बोले, लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी करें सुनिश्चित। असम में चुनाव के दौरान 110 करोड़ का सामान किया गया जब्त। नकदी शराब और ड्रग्स समेत अन्य की जब्ती से टूट गए पुराने रिकॉर्ड। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज से कुंभ मेले की हुई शुरुआत। सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर किया स्नान। देश में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण। केंद्र ने टीकाकरण से पहले राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार ने 24 घंटे में ही वापस लिया ब्याज दर घटाने का फैसला। निर्मला सीतारमण बोली, गलती से जारी हो गया था आदेश। प्रियंका गांधी ने आदेश वापस लेने को लेकर केंद्र पर कसा तंज। बोली, एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, भाजपा फिर से लागू करेगी अनर्थ शास्त्र। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से शुरू हुआ अग्रिम यात्री पंजीकरण। देश भर की 446 बैंक शाखाओं में शिव भक्तों को मिलेगी सुविधा। पंजीकरण के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा वैध। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों को प्रमाण पत्र की नहीं पड़ेगी जरूरत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत। संक्रमित छात्रों को नहीं देनी होगी प्रायोगिक परीक्षाएं। आज से आम जनता के लिए खुल गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। टोल की दरें तय न होने से कुछ दिन बिना टोल के ही फर्राटा भरेंगे वाहन। फ्रांस से 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था पहुंचा भारत। अब भारतीय बेड़े में राफेल विमानों की संख्या बढ़कर हो गई 14। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक। कई विभागों में 4,503 पदों पर भर्ती के फैसले पर लगी मुहर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने देशव्यापी लॉकडाउन का जारी किया आदेश। बोले, गंभीर स्थिति से बचने के लिए 3 सप्ताह तक बंद रहेंगे स्कूल। देश भर में पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा मिले संक्रमित। 172 दिनों में सबसे ज्यादा हुआ नए मरीजों का आंकड़ा। देश में अब तक करीब 1,22,00,000 हुए कोरोना के मरीज। 1,14,00,000 हुए ठीक। 5,80,000 का चल रहा इलाज। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने तय किए आरटीपीसीआर टेस्ट के रेट। कलेक्शन सेंटर पर टेस्ट कराने पर अब देने होंगे ₹500। फिल्म स्टार रजनीकांत को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। केंद्र सरकार ने किया ऐलान, 3 मई को होगा सम्मान समारोह। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर राकेश टिकैत ने किया पलटवार। बोले, अब तक सड़कों पर हैं किसान तो नए कानूनों से कौन सा हित। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को धार देने के लिए किया नया ऐलान। 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे करेंगे जाम। भारत और मॉरिशस के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता। आज से मॉरिशस के बाजारों में रियायती दरों पर पहुंचेंगे भारतीय उत्पाद। ओडिशा के भुवनेश्वर में जबरदस्त गर्मी का दिखा प्रकोप। 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा पारा। कई हिस्सों में शुरू हुई लू। असम में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, देश के 7 दिन और 24 घंटे झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। कस्टम विभाग ने केरल विधानसभा अध्यक्ष को फिर से भेजा नोटिस। डॉलर तस्करी मामले में 8 अप्रैल तक पेश होने का दिया निर्देश। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की आई कमी। इंडियन ऑयल लिमिटेड ने कहा 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी नई दरें। केंद्रीय राजकोषीय घाटा 1 अप्रैल-2 फरवरी के दौरान 76%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा बजट में अनुमान के दायरे में रहा है घाटा। पाक के पूर्व राज नाइक ने बांग्लादेश को लेकर ढाका में दिया बयान। कहा 1971 में हुए नरसंहार के लिए बांग्लादेश से माफी मांगे पाकिस्तान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1 इनामी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। दंड कारण आदिवासी किसान मजदूर संगठन अध्यक्ष समेत अन्य शामिल। रक्षा मंत्रालय ने सेना के सभी 39 डेयरी फार्म बंद करने का लिया फैसला। 20,000 एकड़ में 25,000 मवेशियों को पालने में लगी थी सेना। यूपी सीएम योगी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम का किया दौरा। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल में अर्पित की श्रद्धांजलि। जल्द ही आएगा 6 माह की उम्र के बच्चे का भी कोरोना टीका। फाइजर समेत करीब आधा दर्जन कंपनियां कर रही हैं शोध। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा। का पंजाब से यूपी की बांदा जेल लाते समय हो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चंडीगढ़ से भाजपा सांसद किरण खेर हुई ब्लड कैंसर की शिकार। भाजपा नेता अरुण सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कुंभ मेले के लिए जारी किए 325 करोड़ रुपए। निर्मला सीतारमण बोली, अब तक उत्तराखंड को दिए गए हैं 405 करोड़। उत्तराखंड के सीएम तीरथ ने कुंभ के लिए फंड मिलने पर दिया बयान। सीएम ने विशेष आर्थिक मदद मिलने पर पीएम मोदी का जताया आभार। भरूच में नीलकंठेश्वर मंदिर के घाट पर पहुंचे एमपी सीएम शिवराज। नर्मदा संस्कृत विद्यालय के छात्रों और आचार्य ने कराई पूजा अर्चना।
नंदीग्राम सीट को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया बयान, बोले असल महाभारत से ज्यादा खतरनाक है बंगाल का चुनाव। केंद्र ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की बढ़ाई अंतिम तिथि, अब 31 मार्च के बजाय 30 जून तक कर सकेंगे लिंक। गुटखा में तंबाकू मिलावट की जांच पर कांग्रेस का सवाल, सुरजेवाला बोले दूसरे राज्यों को मिलावटी गुटखा भेज रहा है तमिलनाडु। ममता बनर्जी के पत्र पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बोले टीएमसी के डूबते जहाज को बचाने के लिए विपक्षी दलों से मांगी मदद। एमपी में 11 अप्रैल को होने वाली पीसीएस परीक्षा 2020 की गई रद्द, सीएम शिवराज बोले कोरोना के बढ़ने पर सरकार ने लिया फैसला। लखनऊ विश्वविद्यालय के 7 प्रोफेसर पाए गए कोविड पॉजिटिव, प्रोफेसर के संपर्क में आए छात्रों और कर्मचारियों की होगी कोरोना जांच। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल तक बंद किए सभी स्कूल और कॉलेज, सीएम शिवराज ने कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते लिया फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टोपे की चेतावनी, बोले बिगड़ रहे हालात, कड़े फैसले के लिए तैयार रहे लोग। भारतीय ओलंपिक तैयारियों को लगा बड़ा झटका, डोप में फंसी दावेदार लिफ्टर, एक पहलवान निकला कोरोना पॉजिटिव। 4 मैचों से बाहर रह सकते हैं तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, दाएं हाथ की उंगली में कांच का टुकड़ा मिलने के बाद हुई सर्जरी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।